बड़ा ही रोचक खेल है प्रभु, आ जाइए। स्वागत किया है पॉइंट के साथ, पोल डाइव के साथ, चेन डिफेंस का अच्छा इस्तेमाल आज लगभग हर डिफेंडर ने किया है, और जब उसकी सही आवश्यकता होती है तब यदि वो चीज कर ले तो बेहतर। स्काई डाइव आई, क्या दिशा का नियम आएगा? नहीं आया, लक्ष्मण को शिकार मिला है, बाहर जाना पड़ेगा मनोज कुमार को। खो मिला अर्जुन सिंह को, जो बतौर वजीर हमें नजर आए। कई सारे स्ट्रेंज फैसले आज चेन्नई क्विकन्स की टीम ने लिए हैं सुनील। आखिरी टच भी हो गया, ओमकार भी निकल गए, डेढ़ मिनट में पहला मैच साफ कर लिया। दुर्वेश सालुंके को मिस कर रहे थे आप, वजीर नंबर वन, वो अब आ गए हैं पावर प्ले में, दो वजीर आ चुके हैं। यही मैच है सही रिव्यू का, ये ट्रैपिंग हो सकती है, तीन खिलाड़ी एक ही दिशा में आए थे, दुर्वेश ने फिर क्लेम किया है, जज्बातों में बह रहे हैं दोनों ही खिलाड़ी, एक दूसरे को देख के ये क्लेम कर रहे थे। दुर्वेश कह रहे थे मैंने टच किया है, उनके सामने उनके ओपोनेंट मौजूद थे दीपेश मोरे, उन्होंने नकारा, लेकिन क्योंकि रेफरल है नहीं क्विकन्स के पास, जो फैसला अंपायर का, जो फैसला रेफरी का है वही ऑफिशियल फैसला रहेगा। पावर प्ले में भी अच्छा डिफेंस किया है, यहाँ तारीफ करनी पड़ेगी ओडिशा जोगनर्स की। दुर्वेश को खो मिला, अर्जुन को दिया, इस बार शिकार होगा, बाहर जाना पड़ेगा निखिल बी को। दो खिलाड़ी अब जो मैट पे रह जाएंगे वो दीपेश मोरे और दिलीप खान भी है। क्या यहाँ रेफरल लिया गया, डिफेंडर ने रेफरल लिया है, पर क्या खो मिलने से पहले उठ गए, क्या ये हाथ लगा है दुर्वेश का? अगर हाँ तो ठीक, अगर ना तो बच गए। रिव्यू घुमा दिया चेन्नई की टीम ने, चेन्नई क्विक गन्स बनाम ओडिशा जोगनर्स, ओडिशा जोगनर्स ने 34 पॉइंट निकाल रखे हैं, उसका पीछा करते हुए चेन्नई क्विक गन्स के पास अब 3 मिनट 40 सेकंड का समय बचा है। ये वो सेल्स और मार्केटिंग वाले टारगेट हैं जो बढ़ते रहते हैं, टच मिला है, दो पॉइंट मिलेंगे। लगातार पीछा किया जा रहा है दीपेश मोरे का, सेंटर लेन का इस्तेमाल करेंगे, और जब भी एकमात्र खिलाड़ी बचता है वो सिर्फ सेंटर लेन के इर्द गिर्द मंडराता है, चेन डिफेंस करके दिखाता है, जैसे ही आपने सेंटर लेन छोड़ी मुश्किलें आपके लिए बड़ी, स्काई डाइव आउट दिया गया, आदित्य ने दीपेश मोरे को बाहर भेजा है, महत्वपूर्ण दो पॉइंट कमाए हैं। दोबारा से देख लीजिए, ओडिशा अब कोई पॉइंट ले नहीं सकती, ड्रीम रन लगा नहीं सकती, चार शिकार करने हैं, एक हो चुका है दुर्वेश के द्वारा। दोनों टीम जीत सकती है, दोनों टीम का स्कोर जो है वो लेवल हो सकता है, साथ ही साथ कोई टीम यदि 3 अंक के फासले में खत्म करती है तो चीजें बदलेगी, लेकिन यहां दुर्वेश मौजूद है का मतलब डिफेंडर ज्यादा देर रह नहीं सकते। विशाल को आसान सा रनिंग एंड टच करके बाहर किया, टारगेट छोटा हो गया, दो शिकार कीजिए मैच जीतिए। अर्ली राइस का फाउल है इसलिए दुर्वेश को वो टच नहीं मिला। हाँ भाव से ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे इतनी दौड़ लगाना, लेकिन फिर भी गौथम अब तक थमे नहीं है, राजी कश्यप आए हैं, ये आमतौर पे लोगों को बाहर लेके जाते हैं, और गौथम को भी थाम दिया, स्कोर बराबरी पे लेके आ गए। बहुत कुछ अभी भी तय होना बाकी है, अगर ये टच नहीं खाया उड़ीसा वालों ने, अगर मैच टाई करवा लिया तो ये ऐतिहासिक वापसी होगी उनकी। आखिरी 7 सेकेंड, अर्ली राइस का फाउल, टच नहीं मिला है, क्या हम टाई देखने वाले हैं, अद्भुत टाई हुआ है, तराजू के दो पर